जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक छोटी सी घोषणा मैं और करना चाहता हूं। आप तमाम साथी बार बार पूछ रहे थे कि इस बार फिजियो हार कौन, क्योंकि आप सभी को पता है टू ईयरली इवेंट है, 2 साल में एक बार होती है, तो इस बार का फिजियो हार कौन कब होगा, क्योंकि सितंबर में होता है अमूमन, तो इस बार इतना लेट क्यों, कब तक शुरू करेंगे, तो ऐसी तमाम चीजें चल रही थी। तो साथियों, लेट इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने बताया कि इस बीच व्यस्तताओं के चलते ज्यादा टाइम नहीं लग पाया, तो हारकोन थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन आप सभी के सहयोग से और बार बार तमाम साथियों ने पूछा कि हारकोन क्योंकि टू ईयरली इवेंट है तो होनी चाहिए, तो फिजियो हारकोन जो है वो इस बार 2020 फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा कि हमेशा से होती रही है हर 2 साल में एक बार, तो इस बार भी रोहतक में हरियाणा में फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और दिन रहेगा 18 दिसंबर, रविवार का दिन है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप तमाम साथी समय निकालेंगे और वहां पहुंचेंगे। और इसमें इस बार एक चीज एक ऐसी इवेंट हमने जोड़ी है तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथियों के साथ मिलकर, तमाम हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के पदाधिकारी जो हैं हमारे साथी, उन सब ने बैठ के डिसाइड किया है कि फिजियोथेरेपी काउंसिल, क्योंकि आप सभी के संघर्षों से प्रयासों से हरियाणा में फिजियोथेरेपी काउंसिल बन पाई है, और वो काउंसिल बनाने का श्रेय हर उस व्यक्ति को जाता है जो उसमें कहीं एक छोटी सी छोटी कड़ी बनकर भी उस पूरे युद्ध में शामिल रहा, क्योंकि मैं तो उसको युद्ध ही डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि वो एक न्याय युद्ध था जो आप सभी ने लड़ा और विजय प्राप्त की। वो अलग बात है कि अब काउंसिल पूरे फोर्स के साथ कब काम करेगी, या सारी उसकी जो कमियां हैं वो कब दूर होंगी, या उसमें और सुधार कैसे हो सकते हैं, और तमाम मेरे साथी सुन रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारी आदरणीय जो काउंसिल से जुड़ी हुई डॉक्टर साहब हैं वो भी सुन रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि वो आए। तो मेरा यही है कि वो चीजें तो धीरे धीरे सुधरेंगी, काम होंगे, और जाहिर सी बात है आप तमाम के सही लोगों के सहयोग से जब काउंसिल बनी है तो एफिशिएंटली वर्क भी करेगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ये तो सरकार मौजूदा सरकार का नारा भी है, तो हम सब मिलके ही एक दूसरे के साथ आगे और बढ़ेंगे। लेकिन इस बार हारकोन 2020 में जो खास बात है वो ये है कि आप सभी तमाम साथियों को याद होगा कि इस काउंसिल के गठन के लिए दो ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव, छोटी छोटी लड़ाइयां तो खैर सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे तमाम साथियों ने लड़ी हैं तब जाके ये काउंसिल हरियाणा में आ पाई, लेकिन दो ऐसी बड़ी लड़ाइयां मैं कहूंगा, दो ऐसे बड़े न्याय युद्ध मैं कहूंगा जो चंडीगढ़ की धरती पर लड़े गए, चंडीगढ़ के रामलीला मैदान में लड़े गए, और शायद उसी के आशीर्वाद फलस्वरूप, उसी मेहनत के फलस्वरूप हरियाणा में हरियाणा स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल का गठन हो पाया। तो उस प्रोटेस्ट, क्योंकि सरकारी भाषा में तो इसे प्रोटेस्ट का ही नाम दिया जाएगा, क्योंकि एक किस्म से प्रोटेस्ट था सरकार को ये बताने के लिए, जताने के लिए कि फिजियोथेरेपिस्टों के साथ अन्याय हो रहा है और उसे दूर किया जाए, काउंसिल का गठन किया जाए। अच्छी बात है, सरकार ने हमारी बात सुनी, सरकार ने हमारी बात समझी और मौजूदा समय में हरियाणा में स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल का गठन हो पाया। तो उन दो न्याय युद्धों में जिन्होंने शामिल हुए, जो भाग लिया उन प्रोटेस्ट में जो कि चंडीगढ़ की धरती पर हुए, ऐसे तमाम साथी जो उस वक्त चाहे स्टूडेंट रहे हों, क्योंकि काउंसिल बनने के बाद फिजिकल मोड में हरियाणा की ये पहली फिजियो हारकोन है, क्योंकि लास्ट ईयर 2020 में ऑनलाइन हुआ था कोविड के चलते, आप सभी साथियों को पता है, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी था और ऑनलाइन होने के चलते 3,500 पार्टिसिपेंट भी थे उस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ। लेकिन इस बार पहला मौका है कि जब ऑफलाइन ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है हरियाणा की धरती पर रोहतक में, तो उसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और विशेषकर वो साथी जिन्होंने उन दो प्रोटेस्ट में जो चंडीगढ़ में हुए थे भाग लिया, उन न्याय युद्धों में भाग लिया, वो उन सभी को हम इस मंच से सम्मानित करेंगे, क्योंकि फिजिकल मोड में मैंने कहा पहला मौका है काउंसिल बनने के बाद, तो किसी एक का भी कोई एफर्ट, क्योंकि वो बड़ा देखिए एक अपने आप में एफर्ट है कि वो लोग अपना कीमती समय निकालकर चंडीगढ़ तक गए। बहुत से लोग थे जिन्होंने सिर्फ एसी कमरों में बैठ के कह दिया कि पता नहीं वहां जाके क्या ही कर लेंगे, तो शायद ये आज उनके लिए जवाब भी है कि जो लोग वहां गए उन्होंने क्या कर लिया, और आज ये उन्हीं सभी के योगदान, उन्हीं के आशीर्वाद का प्रताप है कि हरियाणा फिजियोथेरेपी काउंसिल हम सबके बीच है।
तो उन तमाम ऐसे जुझारू साथियों के लिए जिन्होंने उस युद्ध में, उस प्रोटेस्ट में चंडीगढ़ में भाग लिया था, विशेषकर वो दो प्रोटेस्ट जो चंडीगढ़ में हुए, और मुझे इस बात से भी कोई गुरेज नहीं, क्योंकि साथी चाहे वो किसी भी एसोसिएशन के जुड़े हुए रहे हों, कोई सिरसा से हमारे फिजियोथेरेपिस्ट साथी हैं, उनकी एसोसिएशन है पीएच करके, वो भी हो सकते हैं, आईएपी के भी कुछ साथी उन प्रोटेस्टों में आए थे, वो भी स्वागत है उनका, और एचसीएपी के तो साथी खैर सारे दोनों प्रोटेस्ट में मौजूद थे ही। तो ऐसे तमाम साथी अपने वहां प्रोटेस्ट का कोई भी ऐसा प्रूफ जो उसमें शामिल थे, तो कोई फोटोग्राफ उनके पास जरूर होगा, उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं, और उन तमाम लोगों को मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा, ताकि उनके प्रयासों को सराहना दी जा सके, उनके एफर्ट्स को पब्लिक डोमेन में लाया जा सके, और ये बताया जा सके कि ये वो मेहनती लोग थे, ये वो मेहनतकश फिजियोथेरेपिस्ट थे जिन्होंने अपने कीमती समय से समय निकाला और आज हरियाणा प्रदेश को फिजियोथेरेपी काउंसिल की देन दी। तो ऐसे तमाम साथियों का स्वागत है इस बार फिजियो हारकोन 2022 फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फिजियोथेरेपी, क्योंकि थोड़ा डिले हुआ लेकिन उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं, सितंबर में होना था तो डिले तो हुआ है, लेकिन मुझे पता है आप सभी का प्यार, सबका सहयोग, आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है, आगे भी यूं ही मिलता रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है जब भी हम सब मिलकर कुछ करते हैं तो कुछ अच्छा भी करते हैं और प्रदेश के फिजियोथेरेपी चिकित्सकों के हितों के लिए भी बात करते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस भी कुछ ऐसे ही होगी, एक बड़े पैमाने पर ऐसे तमाम साथियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने फिजियोथेरेपी काउंसिल बनाने में हरियाणा में अपना एक योगदान दिया, न सिर्फ योगदान दिया बल्कि महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मैं आशा करता हूं मेरा ये सुझाव मेरे एचसीएपी के तमाम पदाधिकारियों को, तो खैर जाहिर सी बात है उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है, और मेरी आशा है कि हरियाणा का तमाम फिजियोथेरेपी चिकित्सक और छात्र इसको अप्रिशिएट करेगा। यहां मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं कि जो उस वक्त स्टूडेंट थे आज प्रोफेशनल हो चुके हैं उनका भी स्वागत है, या जो उस वक्त प्रोफेशनल थे हो सकता है आज रिटायर हो चुके हों या प्रोफेशन में अब विश्राम की अवस्था में हो, तो उनका भी स्वागत है, बशर्ते उन्होंने उस प्रोटेस्ट में भाग लिया हो और उसका कोई भी एक फोटोग्राफ कुछ ना कुछ तो जरूर, जाहिर सी बात है कि प्रोटेस्ट हुआ था इतने बड़े पैमाने पर, उनके पास जरूर होगा। तो उन तमाम साथियों को मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा और एक मानपत्र दिया जाएगा हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से, जो आने वाली पीढ़ियों को जब वो अपने क्लिनिक में लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि ये वो साथी थे जिनके प्रयासों से हरियाणा में फिजियोथेरेपी काउंसिल का गठन हुआ। तो ऐसे तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, और पुनः एक बार फिर से, क्योंकि ये जन्मदिन का भी उपलक्ष्य है, आज जन्मदिन है, और आप तमाम लोगों की बेस्ट विशेज अभी निरंतर जारी हैं, चल रही हैं, और कुछ साथी निरंतर सुन भी रहे हैं, आप सभी का स्वागत। आशा करता हूं कि आज जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ये जो एक विचार आपके साथ साझा किया है कि हम इस बार हारकोन के दौरान क्या ऐसा करने वाले हैं जिससे हर व्यक्ति के प्रयासों की सराहना की जा सके, वो आपके साथ साझा किया, और उम्मीद करता हूं आप सभी इन प्रयासों की सराहना करेंगे और इस बार पूरी शक्ति के साथ जुड़कर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है साथियों, लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं और ये देखा जाता है कि कितना संगठन, कौन सा संगठन कितना मजबूत है, कितनी ताकत के साथ अपनी बात रख पाता है, और अगर आप अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी बात रख पाएंगे तो मौजूदा काउंसिल में भी वो तमाम बदलाव होंगे जो आप चाहते हैं, जो आप करवाना चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बार फिर से आप सभी को नमन, हृदय की गहराइयों से आप सभी का आभार। जय हरियाणा, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों।